दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से ऑफिशियल विज्ञापन आउट हो चुका है। सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB रिक्रूटमेंट 2022 की अपडेट लेके आ चुके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो चुका है। 1671 वैकेंसी जहां पर इसके लिए निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र नवंबर 2022 से मंगाए जा रहे हैं। 10वीं पास के लिए यहां पर बड़ी भर्ती की अपडेट है। 10th क्लास पास कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। खुफिया विभाग में नवंबर 2022 की बम्पर भर्ती की अपडेट आ चुकी है। 5 से 25 नवंबर 2022 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या फिजिकल डिटेल है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो आसूचना ब्यूरो या खुफिया विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की। 1671 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर निकली है। इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 1521 वैकेंसीज है, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए 150 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए स्टार्ट होंगे 5 नवंबर 2022 से। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 25 नवंबर 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 25 नवंबर है। और यहां पर सैलरी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 21,700 से 69,100 है Level 3 के अंतर्गत। मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS के लिए 18,000 से 56,900 है Level 3 के अंतर्गत। बात अगर क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो 10th क्लास पास 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष है, मैक्सिमम 25 वर्ष है MTS पोस्ट के लिए और 27 वर्ष है सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए। फी जनरल OBC WS के लिए 450 है, SC ST या फीमेल के लिए 50 रुपये फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें Tier 1 ऑनलाइन एग्जाम, Tier 2 ऑफलाइन एग्जाम, Tier 3 इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। MHA.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट INDSarkari.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन के PDF ओपन हो जाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। MTS और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आपको वैकेंसीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। रैंक वाइज आप यहाँ से और लोकेशन वाइज वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स है। ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसमें यहाँ पर आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस की डिटेल दी गई है, जैसे कि यहाँ पर पे स्केल सबसे पहले आप यहाँ पर सैलरी चेकआउट कर सकते हो, उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल चेक कर सकते हो, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और अपर एज रिलैक्सेशन की भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस की अगर बात की जाए तो Tier 1 जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल या एनालिटिकल या लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग या इंग्लिश लैंग्वेज जनरल स्टडीज के लिए 100 मार्क्स होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा। Tier 2 में ऑफलाइन एग्जाम होगा जो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन यहाँ पर देख सकते हो 40 मार्क्स होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा। Part 3 में देख सकते हो Tier 3 के लिए भी यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस दिया गया। इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए 50 यहाँ पर इसमें क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे इसमें, और इसके लिए भी आप चेकआउट कर सकते हो पूरा सिलेबस। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया MHA.gov.in या NCS.gov.in पोर्टल से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 5/11 से 25/11 तक आप आवेदन कर सकते हो। एग्जामिनेशन फीस की डिटेल्स दी गई और पेमेंट का क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है और क्लोजिंग डेट है 25/11/2022। तो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने से
पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। 5 नवंबर को यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट होगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके 5 नवंबर से यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।